में आप लोगों को ये सूचित करना है, अपडेट देना है कि यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को लेके क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिनेशन को लेके डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम चल रहा है और आज हमने ऑफिशियली एक ऑनलाइन ग्रेवेंस रिड्रेशल सिस्टम, जो बच्चे की कंप्लेंट है, उसको लॉन्च किया। इसके माध्यम से हम ये बच्चों से निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चे, कोई भी स्टूडेंट, कोई कंप्लेंट अगर एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है तो वो ऑनलाइन उसको पोर्टल पे जाके उसको कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है और उस कंप्लेंट को रजिस्टर करने के 15 डेज़ के अंदर उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस हमने समझाया है और इसको वेबसाइट पे डाल दिया गया है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि UGC ने इस बार 2023-24 ऑनवर्ड्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की को लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि सभी स्टूडेंट को अपना डिजी लॉकर अकाउंट रजिस्टर करना है, उसको बनाना है। ये एकेडमिक बैंक है जिसमें बच्चा जो भी कोर्स करेगा उसके क्रेडिट उसमें ट्रांसफ़र होंगे। ये मैंडेटरी है। इसके बारे में हमने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है संबंधित कॉलेजेस को और UTD को, जिसमें उनसे निवेदन किया गया है कि सभी बच्चों को ये इन्फॉर्म करें और उनका डिजी लॉकर अकाउंट बनवाएं। डिजी लॉकर अकाउंट बनने के बाद बच्चों को उनकी DMC, उनके रिज़ल्ट भी ऑनलाइन होंगे और वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, हम एक UMC हियरिंग कर रहे हैं 13 तारीख को। जिन बच्चों की UMC थी उनकी हियरिंग 13 अक्टूबर को होगी ओल्ड कैंपस में, CBLU के उसमें कैंपस में, ओल्ड कैंपस में। एक मर्सी चांस भी हमारे कुलपति महोदय ने दिया है। जब से यूनिवर्सिटी बनी 2014 से, कोई भी बच्चा किसी कारणवश अगर अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया है तो वो उस मर्सी चांस को अवेल कर सकता है और अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। ये सब मुद्दे थे। बाकी कुछ रिजल्ट से संबंधित हमने बताया है कि हमने डिग्रियां सबको जारी कर दी हैं। बच्चों को निवेदन किया गया है कि बच्चे अपनी कॉलेज से, संबंधित कॉलेज से और UTD से, डिपार्टमेंट से ले लें कलेक्ट। ऑफलाइन तो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस में है, वो आके रजिस्टर दे सकते हैं एप्लीकेशन, बट हमारा यही प्रयास है कि बच्चों को परेशानी ना हो और वो ऑनलाइन जहाँ भी बैठा है बच्चा वहीं से वो अपनी कंप्लेंट लॉज करे और हमें उसका, हम उसका रिजोल्यूशन देंगे। मर्सी चांस को हम नोटिफाई करेंगे सर, और जहाँ तक है हम दिसंबर जनवरी में उसके एग्ज़ाम कराएंगे और सभी लोगों को, जो बच्चे किसी कारणवश अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, उनको ये मौका दिया है हमारे कुलपति महोदय ने, वो अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। सर, कौन से सम तक के उसमें रखे जाएंगे स्टूडेंट? 2014 से यूनिवर्सिटी बनी है, उसके बाद कोई भी बच्चा है जो नहीं पूरी कर पाया वो सारे उसमें आ सकते हैं। सर, 2021 की जो DMC अभी तक नहीं पहुँची है बच्चों के पास, तो उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए इसलिए जाती है सर? 2021 की DMC सारी चली गई हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे की रहती है तो वो अपनी एप्लीकेशन अपने संबंधित कॉलेज के माध्यम से दे दे, हम उनको जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। जिनके रिजल्ट में MW का शॉर्ट किया गया है, उसको कब तक शॉर्ट आउट किया गया है? जनरली हो गया है, अगर किसी बच्चे का स्पेसिफिकली नहीं हुआ है तो हमें दे दे, हम उसको विद इन 2 डेज़ करा देंगे। सर, एक NA जी, तो उसमें बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ आपने आपको खड़ा? बंसीलाल यूनिवर्सिटी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत जल्दी हम SAR जो होता है उसको सबमिट करेंगे। थैंक यू।